विद्यासागर चक्रवर्ती जी, संयोजक निर्मल कर्मकार जी, संयोजक विवेकानंद भट्टाचार्य जी, इतनी भारी संख्या में आज की सभा में उपस्थित मेरे बंगाल के सभी भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं बंगाल की धरती को नमन करता हूं, जिस धरती ने विपरीत परिस्थितियों में इस देश को संबल दिया था। आप सब जानते हैं ये बंगाल की ही धरती है जिसने रामकृष्ण परमहंस जी ने अपनी आध्यात्मिक साधना के बल पर लोगों को एक नया संबल दिया था और पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले हिंदुओं को कहा था स्वामी विवेकानंद ने कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो भाव पैदा करने वाली धरती बंगाल की धरती है। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के अंदर रहने वाले भारतवंशियों से एक ही बात कही थी, अपने धर्म और संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करो, और गर्व की अनुभूति के अनुसार उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और ये वही बंगाल की धरती है जिसने इस देश को राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया। जन गण मन का जो गायकन गायन है, राष्ट्रगान का वह प्रतीक, वह गौरव बंगाल की धरती ने इस देश को दिया। के अंदर एक निर्मम, एक बर्बर, एक अराजक, एक अलोकतांत्रिक, एक असंवैधानिक, एक भ्रष्ट सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व की टीएमसी सरकार के खिलाफ जो मोर्चा लिया है, मैं आप सबका हृदय से इसके लिए अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं अभी जिस रास्ते से आया हूं, मैंने देखा है बंगाल के अंदर आकर के देखा है, गरीबी अपनी आंख से देखी है। सुश्री ममता बनर्जी पिछले कई बार से मुख्यमंत्री हैं आपके बंगाल के अंदर, लेकिन पिछले 5 वर्षों के दौरान मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो परिवर्तन आया है, 4.5 वर्षों के अंदर जो कार्य मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हुआ है, अगर उसका कुछ भी हिस्सा बंगाल ने ईमानदारी के साथ लागू करने का प्रयास किया होता तो संभवतः इन गरीबों के पास भी मकान बन गए होते जिनके पास कच्चे मकान दिखाई दे रहे हैं। कि सरकार विकास के मामले में सोचना नहीं चाहती, केवल यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से शासन की योजनाओं को गरीबों की योजनाओं पर डकैती डालने का कार्य टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर कर रही है, और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस निर्भीकता के साथ बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, जिस बहादुरी के साथ लड़ रहा है, आपने केवल भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं को, देशतुल्य कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करने के लिए मैं बंगाल की धरती पर विशेष रूप से आया हूं। आपने देखा होगा कैसे बंगाल के अंदर यहां की मुख्यमंत्री शारदा चीट फंड घटो घोटाले से जुड़े हुए एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का कार्य कर रही है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे देश के सुप्रीम कोर्ट को। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का कार्य सुश्री ममता बनर्जी कर रही थी, आज कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के पास जाना चाहिए उन्हें, और यहां में शिलोंग में जाकर के हाजिरी लगाएं और सीबीआई कोर्ट में वह राज को खोलें कि शारदा चिटफंड घोटाले में कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। ये राज न निकले, एक प्रदेश की मुख्यमंत्री धरना देने के लिए बैठ जाए, लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और निंदनीय दूसरा नहीं हो सकता।